नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, जेटेट के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खौरठा पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह खौरठा का दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो पढ़े थे जिसमें खौरठा वर्ण परिचय या खौरठा अक्षर परिचय हुआ था और शब्द रचना का दो टॉपिक हुआ था, यानी दो पॉइंट कवर किए थे। आज हम लोग खौरठा शब्द रचना पूरा करेंगे, जो आपका पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए जरूरी है। खौरठा शब्द रचना यदि आप सीख गए तो खौरठा 50% को आपने सीख लिया, 50% आपका काम आसान हो गया। यदि आप खौरठा को शब्द रचना, खौरठा में शब्द रचना को समझ गए तो आज हम लोग चलते हैं खौरठा शब्द रचना कैसे होता है, इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि वह का व्यवहार, ये प्रयोग आपका खौरठा नहीं होता है, वह बन जाता है ब। वह किस में बन जाता है? ब में बन जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था? वह का क्या हो जाता है? ब। यदि आप नहीं देखे होंगे पहला वीडियो, इसलिए मैं हल्का सा यहां बता देता हूं। जैसे वचन, यहां पर वचन का वचन हो जाएगा। देखिए, वह जो वह था ये बदल गया आपका ब में। वह किस में बदल गया? ब में। तो वह ये हुआ हिंदी एक खौरठा। एक खौरठा में आपका वह ब में बदल जाता है। जैसे और देखें, विराट, विराट, यहां पर आप वह देख रहे हैं, यह खौरठा में चेंज होकर के बी आ जाएगा, विराट। यहां पर आप देख रहे हैं विनय, वह है, ये आपका चेंज होकर के खौरठा में वह बन जाएगा ब, विनय। तो हमने क्या देखा? पहला, वह बदल जाता है ब में खौरठा में। दूसरा दोस्तों, वह बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में जो ऐसे स्टार्ट होते हैं, ये आपके बदल जाते हैं बे में। किसमें बदल जाते हैं? बे में। जैसे व्यापार, व्यापार, ये हो जाएगा यहां पर, ये आप बदल जाएगा इसमें, ये बदल जाएगा ब में, व्यापार। ठीक है, व्यापार, व्यवसाय, यहां ये है ना, ये चेंज हो जाएगा पहले ब में, व्यवसाय। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जहां पर भी वय दिया हुआ हो उसको आप क्या किस में चेंज करेंगे? बे में। एक और उदाहरण देख लेते हैं, व्याकुल, ये देखिए इसको चेंज हो जाएगा किस में चेंज होगा? व्याकुल में। आप दोस्तों, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे इसका क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। दोस्तों, जितना आप उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उतना ही आपकी पकड़ अधिक मजबूत होते जाएगा। ये तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसको जब आप खौरठा में बदलेंगे तो खौरठा में क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, बदल जाता है ज में। किस में बदल जाता है? ज में। जैसे देख लीजिए, अज्ञ, ये हो जाएगा जज्ञ। यहां पर देखिए, ये बदल गया ज में। किसे बदल गया? ज में। जैसे यथा, ये बदल गया जथा में।
देखिए यहाँ पर ये जा में चेंज हो गया। इसी तरह दोस्तों आप देखेंगे आत्री, ये बदल जाएगा, ये ज में बदल जाएगा तो हो जाएगा जात्री। और इसमें ये कौम, ये जो क्या कहा जाता है संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर बदल जाता है पूरे अक्षरों में। तो यहाँ त रा संयुक्त था तो त और र अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से होंगे, आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं यहाँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये हो गया यत्न, यमुना, ये तीन का ये आपका होमवर्क है। ये तीनों के आंसर क्या होंगे जब आप इसको खोरठा में बदलेंगे, खोरठा में बदलेंगे तो खोरठा रूप आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, खोरठा बॉक्स को, खोरठा शब्द को लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। खोरठा शब्दों में इस न का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर आपको ये न लिखना पड़ेगा। इस न का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर आपको इस न का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखेंगे कारण, ये हो जाएगा आपका कारण। रन, देखिए यहां पर ये ना किसमें बदल गया है, देख ले, इसमें भी आपका हो जाएगा, ठीक है। परिणाम, ये यहां पर देखिए ये ना है, इसको बदलना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दें, मैंने इस ना को, इस ना को बदल दिया इस ना में, समझ में आ गया होगा। ये ना का प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह पर इस ना का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप सभी के लिए यहां पर है मनी, ये होमवर्क आपका, कौन और कन, तीन ये आपके होमवर्क हुए। तीनों का आंसर क्या होगा, खोरठा शब्द में इसको कैसे लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आप जेटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, जेटेट की बेहतरीन तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल पा रहा है, या तो आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, या तो फिर घर के कामकाज करते हैं, या फिर स्कूल में पढ़ाते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक टाइम आपको जेटेट की तैयारी के लिए नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है, आप कोचिंग नहीं जा पाते हैं। दोस्तों अब आपकी चिंता खत्म हो गई, मैंने आपके ये जो समस्या है इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया, अब आप घर बैठे कोचिंग करो ना, जब मन, जब समय, जब आपको समय मिले तब आप कोचिंग करो। मात्र 400 रुपए में दोस्तों, मात्र 400 रुपए में पूरे कोर्स, पूरा कोर्स मात्र 400 रुपए में आप इसको पूरा कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, जब समय तब आप इसे पूरा करेंगे। प्रत्येक दिन हम 2 घंटे, एक बार 1 घंटा, फिर एक बार 1 घंटा, प्रत्येक दिन 2 घंटे की लाइव क्लास आपको मिलेगा। दोस्तों आपको लाइव क्लास आपके कोचिंग जैसा फीलिंग में कराऊंगा, आपको आपको लगेगा कि हाँ निश्चित रूप से मैं कोचिंग सेंटर में बैठ करके पढ़ रहा हूँ, ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा, और मात्र 400 रुपए में। दोस्तों बेहतरीन तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स जरूरी होता है, जब तक आपके पास बेहतरीन नोट्स नहीं होगा आप बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते हो। एप्स के माध्यम से आपको मैं 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपने मान लीजिए सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अपनी तैयारी का आकलन नहीं करेंगे, आप कितने अच्छे, आप कहाँ तक पहुँच पाए आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आपको 30 प्रैक्टिस सेट दूंगा दोस्तों। इस तरह के प्रैक्टिस सेट्स आपके रहेंगे, आपको जब भी समय मिलेगा
ऐप्स को खोलेंगे, चाहे आप घर पर हों, कहीं भी हों, 10 मिनट का भी समय मिला तो आपके मोबाइल में ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। जैसे ही आपको समय मिलेगा तुरंत आप क्लिक करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करने शुरू कर देंगे। एक बहुत अच्छा आपको मैं ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया हूँ, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। आप फिर इसमें क्यूज पर जाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आपको मिलता जाएगा, आप इसमें आंसर करेंगे, फिर आप देखिए इसमें आप यहाँ पर ये दबाएंगे, देखिए यहाँ पर ये फ्रोबेल गलत है, जॉन डीवी सही है, इस पर ये आपका कलर चेंज हो गया, ये रेड हो गया गलत में और ये ग्रीन हो गया। फिर हमको आगे बढ़ना है, इसको दबाएंगे दोस्तों, फिर आगे मेरा चलता जाएगा, देखिए आगे का प्रश्न आपका आ गया। इस तरह से ये ऐप्स आपको सीखने में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। इसका लिंक पेमेंट होने के बाद मैं आपको आपके WhatsApp पर भेज दिया करता हूँ और भेज दूँगा। तो बेहतरीन तैयारी, घर बैठे तैयारी, कम पैसा में तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स, जो ऑनलाइन कोर्स है 400 रुपये का, इसे ज़रूर खरीदेंगे। इसके लिए WhatsApp पर लिखेंगे ऑनलाइन कोर्स या पेड कोर्स लिख करके मेरे WhatsApp पर भेजेंगे। पेमेंट कैसे होगा, कैसे सब मटेरियल्स मिलेंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी नोट्स वगैरह मिलेगा ये अभी आपके PDF में रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट नियम है दोस्तों, खोरठा में ये स और ये स का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर आपको इस स का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या होता है, ये और ये स का प्रयोग नहीं होता है। यदि हिंदी शब्दों में आपका इसका प्रयोग किया गया है और आप जब खोरठा शब्द बनाएंगे उस समय इस शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, शनिवार या स को बदल देते हैं इस समय सनिचर। शासन, देखिए यह स आपका बदल जाएगा इस समय। यहां पर आप देखें यह जो स है यह बदल करके आपका यहां पर वह भी तो बदल जाता है, वह बदल जाता है ब में सीब। देखिए यहां पर वह भी बदलेगा, यह हो जाएगा बी में, वह बदलता है बी में ब में, ये हम लोग सबसे पहले बताए, और यह सब बदल जाएगा इस समय बीस, या कभी कभी सब बदल जाता है ख में बीस, बिख। ये दोनों प्रयोग होता है, बिस का भी और बिख का भी, दोनों खोरठा में प्रयोग होता है। तो ये समझ गए आप, आपके लिए ये वर्ड है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ये तीन है, तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपके लिए है। अगला नियम है दोस्तों, री का प्रयोग खोरठा में नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो इसके जगह हम लोग हर्षई वाला री, दीर्घई री या केवल र का प्रयोग करते हैं। ये जगह जगह पर, जैसे देखिए ऋषि, ये आपका हो जाएगा ऋषि, क्योंकि यह भी सब बदल जाता है ना, इसके ऊपर में हम लोगों ने देखा ना, ये सब इस सब में बदल जाता है, तो ऋषि ऋण, देखिए यहां पर यह री हो गया और ये ना बदल जाता, हम लोग इसके पहले देखे थे, यह ना भी बदल जाता है, यहां पर दोनों बदला ऋण। पितृ, देखिए
यहाँ पर पी, ये जो आधा रहता है ये संयुक्त रहता है, ये पूरा में जाता है पित्री। तो आप लोग करेंगे इसका कृपा का और संस्कृति का, खोरठा में इसका प्रयोग नहीं होता है, इसके जगह में यह प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए क्षेत्र, यहां पर छ ये बदल जाता है छत्तर में, क्योंकि हमने बताया है कि संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, ये पूरा में हो जाता है, ये हो गया छ तारा छत्तर। क्षत्रिय, ये देखिए यहां पर हो जाएगा छत्री। तो हमने क्या देखा दोस्तों, इसका प्रयोग नहीं होता है खोरठा में, इसके जगह में कभी चाचा, कभी खा, कभी इच्छा का प्रयोग होता है। खोरठा में रेफ के यानी जो ऐसे वाला रहता है, इसका प्रयोग पूरे राम में होता है। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण में, यहाँ पर देखिए रेफ लगा हुआ है, ये पूरा राम में हो जाएगा कर्म। दूसरा देखें धर्म को, यहाँ पर रेफ लगा हुआ है, ये हो जाएगा धर्म। नर्म, ये आपका हो जाएगा नरम। तो इस तरह से जो रेप होता है, ये रेप पूरे र में बदल जाता है, पूरे र में बदल जाता है। इसी तरह का र का प्रयोग हम लोग संयुक्त अक्षर, जैसे इस तरह से करते हैं, इस तरह में भी रहता है, जैसे देखिए, और ये पूरा र में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। ग्रास, यहां पर देखिए ग में र लगा हुआ है, ग्रास, ये आपका पूरा हो जाएगा ग्रास। ये जो र आपका है, ये र आपका पूरा र में बदल जाएगा। जैसे देखिए क्रम, र यहां पर है, ये हो जाएगा आपका करम, ठीक है। प्रणाम, यहां पर र आपका किस में बदल जाएगा, परनाम। ये न भी तो बदलता है, ये र बदला, ये न बदला, ऊपर वाले जितना भी विधि में बताया सब एक साथ बदल जाता है। तो दोस्तों हम समझते हैं, अब आप शब्द रचना करने सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी चीज़ों को देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग संज्ञा देखेंगे कि किस तरह यानी खोरठा में किस तरह का संज्ञा होता है, और संज्ञा से जुड़े हुए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।